जय हिंद। कोई भी जंग कैसे जीती जाती है? क्या बहुत बड़ी आर्मी होना या बहुत एडवांस टाइप की इक्विपमेंट होना इस बात को सुनिश्चित करता है कि आप जंग जीत जाएंगे, बैटल जीत जाएंगे? जी नहीं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो डिसाइड करती है आपकी विक्ट्री, वो है आपके पास जो इक्विपमेंट है, क्या आप उनका करेक्ट यूज़ कर रहे हैं, और आपके ट्रूप्स क्या सही फॉर्मेशन में बैटल ग्राउंड में आगे बढ़ रहे हैं। जी हाँ, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। इसलिए आज हम आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाएंगे कि बैटल फील्ड में ट्रूप्स किस फॉर्मेशन में मूव करते हैं। सेक्शन लेवल पर। सेक्शन का मतलब होता है 10 ट्रूप्स का एक ग्रुप। सबसे पहले हम आपको ये सिखाएंगे कि कैसे मूव किया जाता है हथियार को लेकर बैटल फील्ड में। चिरंजीव आपको करके दिखाएंगे। आप देख सकते हो उसका बॉडी का मूवमेंट मिनिमम है, लेकिन हथियार का मूवमेंट वो हर पॉइंट में मैक्सिमम कर रहा है। ऐसा नहीं कि आप तेज 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 ऐसे मूव कर रहे हो, मूवमेंट कम करो, पर हथियार का मूवमेंट आप अच्छे से करो, ठीक है? जो पहला टाइप होता है फाइल फॉर्मेशन का, उसको बोलते हैं सिंगल फाइल फॉर्मेशन। जैसा कि आप देख सकते हो हमारा सेक्शन, जिसमें कि 10 ट्रूप्स हैं, सिंगल फाइल में खड़े हैं और इनके हथियार की डायरेक्शन ऑल्टरनेट हो रही है। इसकी फ्रंट फेसिंग है, उसकी राइट साइड में है, इसकी लेफ्ट साइड में है, फिर राइट, फिर लेफ्ट, ऐसे करके, ताकि दोनों डायरेक्शंस हमारी कवर हो पाएं। अब आप देखेंगे कैसे ये सिंगल फाइल फॉर्मेशन मूव करता है। देखो, ये पूरा अपना 180 डिग्री में एंगल ले रहे हैं और धीरे धीरे मूव कर रहे हैं। तो ये होता है सिंगल फाइल फॉर्मेशन। सिंगल फाइल फॉर्मेशन का एक फायदा ये होता है कि इसको कंट्रोल करना इजी होता है। जो पहला वाला पर्सन है, ये कमांडर है, सब कमांडर के पीछे हैं, तो कमांडर का अपने फॉर्मेशन के ऊपर पूरा कंट्रोल है। दूसरा फायदा ये होता है कि अगर सामने से दुश्मन फैला हुआ फायर कर रहा है, मतलब ऐसे फैला हुआ फायर कर रहा है, उससे इसको कम से कम नुकसान होगा। सिंगल फाइल फॉर्मेशन का नुकसान ये है कि अगर फ्रंट से सीधा फायर हो रहा है, तो अगर कमांडर को गोली लगेगी तो वो गोली सीधे जाकर सबको लग सकती है। तो फ्रंट से जो होने वाला फायर है, उससे ये वल्नरेबल होते हैं, मतलब वो इनको नुकसान करता है। इस फाइल फॉर्मेशन को यूज तब किया जाता है जब आप संकरे रास्ते से गुजर रहे हो, नैरो पाथ है, यू नो, दो पहाड़े के बीच में नैरो रास्ता है, या पतली सी नाली से आपने गुजरना है, तो सिंगल फाइल फॉर्मेशन यूज में आता है। सेक्शन फॉर्मेशन का दूसरा टाइप होता है फाइल फॉर्मेशन। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो, ये दो फाइल बनी हुई है, इन दोनों में से एक कमांडर होगा, इनके पीछे बाकी के ट्रूप्स हैं, पांच यहाँ पर हैं, पांच यहाँ पर हैं। राइट साइड वालों की डायरेक्शन अगर राइट में है, तो लेफ्ट साइड वालों की डायरेक्शन लेफ्ट में है, फ्रंट वालों की फ्रंट में है। अब ये इसी फाइल में मूव करेंगे। फाइल फॉर्मेशन को यूज तब किया जाता है जब आप चौड़ी रोड या चौड़े नाले से गुजर रहे हो, तब इस तरह से दो फाइलें एक साथ गुजर सकती हैं। इसका फायदा ये होता है कि इस फॉर्मेशन को कंट्रोल करना इजी होता है, बिकॉज कमांडर के पीछे सारे लोग हैं, तो उनको कंट्रोल करके वो आगे ले जा सकता है। दुश्मन फैला हुआ फायर कर रहा है, तो उससे ये बच जाते हैं। इसका नुकसान ये होता है कि अगर फ्रंट से सीधा फायर आ रहा है, तो उससे ये हर्ट हो सकते हैं। अगर हैवी वॉल्यूम ऑफ फायर प्रोड्यूस करना हो, तो उसके लिए ये वाला फाइल फॉर्मेशन सूटेबल नहीं है, बिकॉज इसका जो एंगल है वो लिमिटेड होता है। अब हम आपको दिखाएंगे कि फाइल फॉर्मेशन में आगे कैसे मूव किया जाता है। देखिए किस तरह से ये फाइल मूव कर रहा है। राइट वाले राइट डायरेक्शन गाइड कर रहे हैं, लेफ्ट वाले लेफ्ट डायरेक्शन गाइड कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। तीसरे टाइप का फाइल फॉर्मेशन होता है डायमंड फॉर्मेशन। ये बेस्ट टाइप का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि इससे ऑल राउंड ऑब्जर्वेशन भी होता है और ऑल राउंड फायर भी होता है। आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर डायमंड शेप बना हुआ है। अगर आप बीचों बीच जाएं, तो यहाँ पर ये कमांडर है सेंटर में, आगे के जो तीन ट्रूप्स हैं ये फ्रंट को गार्ड कर रहे हैं, और इस तरफ अगर आप ये देखिए, ये दो ट्रूप जो है वो लेफ्ट साइड को गार्ड कर रहे हैं, उस तरफ के दो ट्रूप जो है वो राइट साइड को गार्ड कर रहे हैं, और जो पीछे की तरफ ये दिख रहा है आपको, ये बैक साइड में गाइड कर रहा है। इस तरह से अगर आप देखेंगे, तो ऑल राउंड ऑब्जर्वेशन भी हो रहा है और ऑल राउंड फायर भी हो रहा है। कमांडर जरूरत के मुताबिक किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। अगर उसको लगे कि फायर राइट से ज्यादा आ रहा है, तो राइट को चला जाएगा, अगर लेफ्ट ज्यादा आ रहा है तो लेफ्ट को चला जाएगा। तो ये बेस्ट टाइप का फॉर्मेशन होता है।
इसका कंट्रोल भी अच्छा है, कमांडर बीच में रहकर पूरे फॉर्मेशन को कंट्रोल कर सकता है। अब हम आपको दिखाएंगे कि कैसे डायमंड फॉर्मेशन में ये सेक्शन मूव करेगा। सेक्शन एडवांस। अभी आपको जो फाइल फॉर्मेशन नजर आ रहा है इसको बोलते हैं एरोहेड सेक्शन फॉर्मेशन। आप ध्यान से देखिए, बिल्कुल एरो का शेप है, यहाँ से एक लाइन, यहाँ से एक लाइन और यहाँ पर कमांडर है। इस तरफ वाले इस डायरेक्शन को गार्ड कर रहे हैं, उस तरफ वाले उस डायरेक्शन को गार्ड कर रहे हैं और कमांडर किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है। उसे अपना फॉर्मेशन को कंट्रोल करना है। इसके अलावा जरूरत के मुताबिक कहां से एनिमी का फायर ज्यादा हो रहा है वो दाएं या बाएं जा सकता है। इस फॉर्मेशन का फायदा ये है कि इसमें डेप्थ होती है, गहराई होती है, इसमें ज्यादा डायरेक्शन तक आप कंट्रोल कर सकते हो। इसके अलावा अगर फ्रंट से एनिमी का फायर हो रहा है तो उससे मिनिमम कैजुअल्टी होती है। अगर फ्रंट से फायर होगा तो या तो ये जाएगा या वो जाएगा, बाकी लोग बच जाएंगे। इस फाइल फॉर्मेशन का इस्तेमाल तब किया जाता है जब आप एक ओपन ग्राउंड को क्रॉस कर रहे हैं। अब देखिए कैसे ये फाइल फॉर्मेशन मूव करता है। सेक्शन एडवांस। आप अगर ध्यान दें तो कमांडर ने हथियार नीचे की ओर किया हुआ है। जरूरत के मुताबिक ही वो इसको यूज करेगा और उसका मेन यहाँ पे रोल है पूरे फॉर्मेशन को कंट्रोल करना। अभी आपको जो सेक्शन फॉर्मेशन नजर आ रहा है उसको बोलते हैं स्पेयर हेड सेक्शन फॉर्मेशन। ध्यान से अगर गौर से देखिए तो ये एक स्पेयर हेड यानी जो भाली की नोक होता है उसके जैसा शेप है। यहाँ पे ये जो है ये कमांडर है, इसके आगे गाइड है जो कि पूरे ग्रुप को गाइड कर रहा है। इसके अलावा अगर आप कमांडर के पीछे इन तीन को देखें तो ये हमारे राइफल मैन है या फिर इनको असॉल्ट ग्रुप भी कहते हैं। बाई तरफ अगर आप देखें तो ये हमारे हैं एलएमजी ग्रुप। एलएमजी ग्रुप जब सेक्शन मूव कर रहा है तो दूर से जो एनिमी फायर हो रहा है उसका जवाब देता है। इसकी रेंज 500 से लेकर 1000 मीटर तक होती है। तो फायर एंड मूव के दौरान ये दूर से होने वाले एनिमी फायर से ग्रुप को प्रोटेक्शन देता है। उस तरफ अगर आप देखें तो ये वाला जो ट्रूप है इसको 2IC बोलते हैं, कमांडर का सेकेंड इन कमांड। और इसके पीछे जो आपको जो दो नजर आ रहे हैं ये होते हैं रॉकेट लॉन्चर। इनके पास रॉकेट होता है जिसका इस्तेमाल ये तब करते हैं जब एनिमी पोस्ट के बहुत करीब आ जाएं, और जब कमांडर कमांड देता है तो उनके आदेश पर वो सबसे पहले एनिमी पोस्ट को ध्वस्त करते हैं रॉकेट फेंक कर। और उसके बाद जो ये राइफल मैन है आखिर में असॉल्ट करके फायर द्वारा या फिर बेनेट से दुश्मन का खात्मा करते हैं। इस फॉर्मेशन का फायदा ये है कि इसमें डेप्थ है, मतलब गहराई है अगर आप देखें। पर इसका नुकसान ये है कि इसमें कंट्रोल और कमांड थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप देखो कमांडर यहाँ है और 2IC वहाँ है और एलएमजी ग्रुप यहाँ है। अब एलएमजी ग्रुप को कंट्रोल करना मुश्किल है बिकॉज इनकी पोजिशन अलग अलग है। एक और इसका नुकसान ये होता है कि अगर सडनली फायर करना हो तो उसमें थोड़ा डिले हो जाता है, बिकॉज कमांड और कंट्रोल अगर थोड़ा मुश्किल है तो फायर इमीडिएटली नहीं हो पाता, उसमें डिले हो जाता है। अब हम दिखाएंगे कि कैसे ये सेक्शन मूव करता है फायर के साथ। सेक्शन एडवांस। आपके सामने जो ये सेक्शन फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं एक्सटेंडेड लाइन सेक्शन फॉर्मेशन। आप देख सकते हैं एक्सटेंडेड लाइन, एक सिंगल लाइन में ये लोग खड़े हैं। इस फॉर्मेशन का इस्तेमाल तब होता है जब आप एनिमी पोस्ट को ध्वस्त कर चुके हैं, उसके एकदम पास पहुंच गए हैं और असॉल्ट करने जा रहे हैं। इसका एक ही ड्रॉबैक है कि इसमें गहराई नहीं होती, पर इसका फायदा यह है कि इसमें आप ज्यादा अमाउंट ऑफ फायर प्रोड्यूस कर सकते हो। हथियार आपकी बेल्ट की लेवल पे होता है और आपको एम नहीं लेना, आपको बिल्कुल जिस डायरेक्शन में जहां मौका मिले लगातार फायर करना है, क्योंकि जो बचे खुचे एनिमी ट्रूप्स हैं आपको उन्हें किल करना होता है और उनके एकदम नजदीक पहुंचकर फायर द्वारा या फिर बेरेट द्वारा आपको खात्मा करना होता है एनिमी का। हम आपको डेमोंस्ट्रेट करके दिखाएंगे कि ये कैसे किया जाता है। सेक्शन एडवांस। दावा, दावा।